दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा 5 समन जारी होने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तब ईडी की शिकायत पर अदालत ने केजरीवाल के विरुद्ध समन जारी कर 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इसी मामले में आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। यहां उन्होंने पेश होकर अपनी बात रखी, साथ ही कोर्ट में वादा भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। तब मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और चालू बजट सत्र के कारण वे आज अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अदालत में मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता और साथ ही मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि आज वह वर्चुअली जुड़ रहे हैं, साथ ही पेशी से छूट का आवेदन डाल रहे हैं। इसे लेकर अदालत ने पूछा कि छूट की क्या वजह है। इस पर केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा, उनके कोर्ट में पेश होने से अभी सभी को परेशानी होगी, साथ ही दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और आज फ्लोर टेस्ट भी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के सामने खुद पेश होंगे। उनकी बात सुनकर अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए टाल दी है। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल को यह निर्देश दिया जाए कि वह खुद पेश होंगे या फिर उनके वकील गुप्ता की स्टेटमेंट इसके लिए रिकॉर्ड कर ली जाए। ईडी के वकील की इस दलील पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैंने कहा कि वह खुद पेश होंगे, आप ईडी के वकील हैं, सिर्फ इसलिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। अंत में अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च की अगली तारीख दी है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को सुबह 10:15 पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज़।